बीते दिनों एक निजी टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की तरफ से पैगंबरे इस्लाम के लिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। वहीं पूरे देश में जगह जगह उनके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं आज मुरादाबाद में भी लोकतंत्र बचाव मोर्चा ने पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारी सलीम बाबरी ने कहा कि देश की गंगा जमुनी तहजीब को कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के साथ ही नवीन जिंदल को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं लोकतंत्र बचाव मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार सिंह ने कहा कि पैगंबरे इस्लाम पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी टिप्पणी से मुस्लिम समाज ही नहीं लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले सभी लोगों की आत्मा आहत हुई है। उन्होंने कहा कि कानपुर में हुई घटना भी इसी का परिणाम है। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नूपुर शर्मा जिन्होंने डिबेट के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इसके वजह से मतलब यानी खाली भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो है उबाल है, गुस्सा है। और कुछ देश जो है बाकायदा हमारे देश की हमारे जो वतन अजीज़ है इसकी जो तमाम चीज़ें हैं उसका बायकॉट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत दुखदाई है। अगर समय रहते अगर सरकार काम कर लेती, इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर देती, तो ऐसा कोई घटना नहीं होती। और कानपुर घटना भी इसी उसमें है। हम ये मांग करते हैंगे, हमने जिला मजिस्ट्रेट महोदयों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदयों से कि ऐसे बहुत लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और जेल में भेजा जाए। मुख्यमंत्री हमारा यही है कि जिंदल को और इसको नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि कभी कोई शख्स कोई नेता अपने राम नाम को फेमस करने के लिए पैगम्बर साहब हो या हमारे देवी देवता हो किसी के संबंध में कोई अपन ट्रिबली ना करे, ऐसी व्यवस्था ऐसा कानून बनाया जाए। देखिए पिछले समय पर एक टीवी चैनल में नूपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्तागी करते हुए कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं। उससे मुस्लिम समाज ही नहीं हर धर्म का व्यक्ति जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है वो आहत हुआ है, और इसी के कारण पूरे देश में जो है तनाव है, कानपुर का दंगा भी हुआ है और देश विदेश की जो व्यापारिक राजनीतिक संबंध हैं उनमें भी जो है खटास आई हुई है। तो एक नूपुर शर्मा ने इस तरह के जो बेहूदा बातें करके पूरे देश को की छवि जो है ख़राब की है। हम मांग करते हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उसे जो है जेल भेजा जाए, उसके समर्थक नवीन जिंदल को भी जेल भेजा जाए।